हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, नया एक अपडेट आया है और वोटर कार्ड और आधार कार्ड से लेकर, और उसके बाद देखिए गाइस बहुत सारा का ये भी क्वेरी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग का प्रोसेस, जो कि एक्चुअल में लिंकिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब आपको लिंक करना जरूरी है कि नहीं पैन कार्ड और आधार कार्ड, और उसके बाद वोटर कार्ड और आधार कार्ड। तो देखिए गाइस, अभी न्यू अपडेट ये है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग का जो भी मतलब प्रोसेस है वो कितना डेट तक रहेगा, और वोटर कार्ड और उसके बाद आधार कार्ड का भी उसी तरीके से कितना डेट तक इसका लास्ट डेट है, तो वही मैं आज आप लोगों को क्लियरली बताने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो पर बने रहिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इसी तरीके का न्यू अपडेट पाने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी रिसेंटली एक मतलब हिंदुस्तान टाइम्स पर न्यूज एक आया है, और यह में बता दिया गया है साफ साफ तरीके से, द लास्ट डेट टू लिंक वोटर आईडी विथ आधार कार्ड हैज बीन एक्सटेंडेड टू मार्च 31, 2024। तो अर्लियर मतलब 1 अप्रैल 2023 से मतलब स्टार्ट हुआ था, और यह में मतलब अभी जो भी है आधार कार्ड और उसके बाद वोटर कार्ड उसका लिंकिंग का जो भी प्रोसेस है वो टाइम लिमिट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। और उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ में साफ साफ तरीके से ये भी बोला गया है, और ये लिंक करने से मतलब क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा। देखिए गाइस, अगर आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड अगर आप लोग लिंक करोगे तो गाइस हाँ, वो दो जो भी है दो आईडी एक ही मतलब पर्सन का है, ये एक मतलब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। नहीं करने से क्या होगा, तो यहाँ पर बता दिया गया है, यूजर कैन लिंक देयर आधार टू द वोटर आईडी ऑनलाइन और थ्रो SMS बाय मार्च 31, 2024 तक आप लोग कर सकते हो। SMS के मतलब मदद से भी आप लोग कर सकते हो लिंक, और ऑनलाइन के मदद से भी आप लोग इजीली कर सकते हो NBSP पोर्टल पर जाके, वो बहुत इजी है गाइस, वो आप लोग अपना मोबाइल से भी कर सकते हो। द लिंकिंग प्रोसेस इज नॉट मैंडेटोरी इन नेचर बट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम पर्सन इन मोर देन वन कंस्टिट्यूएंसी और मोर देन वंस इन द सेम कंस्टिट्यूएंसी द इलेक्शन कमीशन सेड। ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपको करना ही चाहिए, और नहीं करने से भी कुछ भी नहीं होगा, और यह में मतलब साफ साफ तरीके से बता दिया गया है, जो कि एक्सटेंडेड कर दिया गया है, आप लोग कर सकते हो। मतलब दो कार्ड अगर लिंक करने से मतलब वो एक ही हो जाएगा, वो एक इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद बहुत सारा का ये भी क्वेरी है, पैन कार्ड और जो भी है आधार कार्ड वो लिंक करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके बारे में देखिए गाइस मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ लिंकिंग आधार, तो मतलब 1000 रुपीज़ लगता है, ये सही है, क्योंकि गाइस फर्स्ट में फ्री में होता था, सेकंड में 500 रुपीज़, थर्ड में 1000 रुपीज़। यह आप लोग देख सकते हो, 1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो मतलब सबमिशन कर देने के आगे में आपको मतलब क्या करना होगा, 1000 का पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपका जो भी है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, और वो भी मतलब कुछ दिन बाद। अभी नहीं करने से क्या होगा, और कौन कौन सा स्टेट को मतलब ये जरूरी है, और कौन कौन सा स्टेट को जरूरी नहीं है लिंक करने के लिए, तो देखिए गाइस, फ्लोइंग में नोट एक है, फ्लोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम आधार लिंकिंग। तो कौन सा स्टेट को एग्जम्प्टेड किया गया है, यह में साफ साफ तरीके से बता दिया गया है, असम में अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने से भी कुछ भी नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत करिए, एग्जम्प्टेड कर दिया गया है, इतना नेसेसरी नहीं है ये। और मेघालय है, मेघालय, असम और जम्मू एंड कश्मीर को
मतलब एग्जामिनेट किया गया है। इन तीन स्टेट के लोग मतलब अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं भी करते हैं तो भी गैस चलेगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही हमें बता दिया गया है। और बहुत सारा लोग मतलब बोल रहे हैं कि लिंक करना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है गैस। आप लोग मतलब बिना लिंक करे ही घर पर आप लोग बैठ सकते हो बिना टेंशन किए। टेंशन मत करिए, आपको जब बोल दिया जाएगा तब आपको करना है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यही था गैस एक न्यू अपडेट आधार कार्ड और वोटर कार्ड, उसके बाद फिर से आधार कार्ड और पैन कार्ड का। तो आई होप गैस वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।